भले ही किसानों की मांग ना सुनी जा रही हो, लेकिन किसानों ने भी हट कर लिया है कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेगी वे डिगेंगे नहीं। किसानों में इस आत्मविश्वास को जगाने का श्रेय जाता है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को। आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर के चारों ओर पुलिस तैनात है, किसान अपना प्रदर्शन जारी करे हुए हैं और सरकार उनकी मांगे अभी तक नहीं पूरी कर रही है, बल्कि उनको कह रही है कि आप यहां से बुरारी का जो रामलीला मैदान है वहां पर आप अपना जो प्रदर्शन करें, वहां पर आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन किसानों ने वहां जाने से मना कर दिया है। किसान ने कहा है कि हम पहले ही सरकार से कह चुके थे कि हमें जहां रोक दिया जाएगा हम वहीं बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। किसानों के इस तरह के आंदोलन हमेशा होते आए हैं और इन आंदोलनों का हमेशा एक इतिहास रहा है। 25 अक्टूबर 1988 में भी जब महेंद्र सिंह किटैत थे उन्होंने भी इस तरह का आंदोलन करवाया था और 5 लाख किसान उस वक्त जिन्होंने इंडिया गेट को घेर लिया था, कब्जा कर लिया था, सरकार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा था और अपना फैसला बदलना पड़ा था। अब देखना यह है कि क्या ये भाजपा सरकार अपने काले कानून वापस लेगी, क्या ये भाजपा सरकार किसानों की जिद के आगे झुकेगी और अपना फैसला बदल लेगी। अरे भाई सीधी बात आ गई, हम तो एक बात करेंगे मोदी सरकार तो यह बात कहेंगे, मेरी सुन भाई बता दी भाई, मेरे एक बात है, एक किला अपनी बोया करूंगा, अपने धान बोया करूंगा, अग मेरा बेचू किसे साले गए, सही सच्ची बताऊंगा अपने घर के खड़ के रखूंगा, अग खा लियो पब्लिक खाओगी जितनी, हम तो यह बात कहेंगे भाई। ऐसा है हमारे तो जो है ना मोदी जी ने बनने के बाद एक बात भी सच्ची नहीं बोली, निरा झूठ बोला है। अच्छा, हर एक बात में झूठ बोलता है। अब देखो हमने प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए वोट डाली, वोट डाल के प्रतिनिधि चुने और ये कानून जब बनाए, नोटबंदी का कानून था, उस टाइम पार्लियामेंट में किसी भी MP से प्रस्ताव पास नहीं करा, गाली नहीं देते उसको, हम एक बात कहते हैं आगे भी बना देंगे, हम आगे ही बना देंगे पर हमारी मांग पूरी कर दो भाई, हम तो एक बात कहें, यह बात कहते हैं आगे ही बना देंगे। अच्छा, मारे ऊपर रो चुकर हमने बनाया था, 6 साल हमने दिए देता है, मारी है तमन्ना मेरे भाई, मारी 100 किलो गेहूं की बोरी होती है, सुनो वह भी का मारी 1800 और दारू की बोतल भी 800 रुपये, क्या बात मारिया, देखो जी हमने सोच के ये बनाया था कि भाई यू चाह बेचने वाला गरीब आदमी है, ये हमने ये थोड़ा बता था यू देश बेचनिया आ जाएगा, इन्हें सारे देश को बेच दिया, अब देखो इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, RBI से गैर कानूनी तरीके से दबाव से पैसा खींच दिया, खोज लिया भाई जो है ना, रेलवे को बेच दिया, रोडवेज को बेचने जा रहे हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बेच दिया, लेकिन वो धोखेबाज है, गरीब का बेटा धोखेबाज नहीं होता, गरीब का बेटा ईमानदार होता है, उसको जमीर होती है, वो कभी भी जो है ना अपनी बात से उल्टा नहीं हट सकता, ये सब जो है ना पैसे वाले लोग हैं जिन लोग धोखेबाज हैं, जिनके कोई जबान नहीं है, हम तो जबान पे रहते हैं, गरीब के पास जबान होती है, मान सम्मान होता है, पैसे वाले के पास मान सम्मान नहीं होता। यार सुनो दादा, हम एक बात कहते हैं मोदी साहब, तो एक दिल्ली में आके मजदूरी करता है, कारण किया कि उन्होंने जमीन जड़ियाँ कॉन्ट्रैक्ट करके छीन लिया गई वा, लोगों कई छीलियां गई, कई कर्जा इन्ना चढ़ गया कि किसान जड़े आ जमीन बैंकों के कोल गहने पै चुके। प्रदर्शन है यहाँ पर, आराम से बैठे हैं, अपना खाना पीना यहाँ पर बना रहे हैं, जो बंदे को किसी को जरूरत है खाना, कोई भी मीडिया वाला खा सकता है, जो फोर्स वाले हैं वो भी खा सकते हैं, आम पब्लिक भी जो भी है वो भी खाना खा सकते हैं।
आप देख रहे किस तरह से यहाँ पे सब खा सकते हैं। इनका कहना है कि अगर मोदी जी भी आएंगे तो उनको भी खाना मिलेगा यहाँ पर। अभी दो दिन हुए हैं, दो दिन में दिल्ली का दुराल कर दिया, अगर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया तो मोदी साहब तो अमरीका भाग जाएगा, जाओ भाग गया है वो सारे। ऐसा है जी, इसने अभी किसान की ताकत देखी नहीं है। आज जो किसान सड़कों पर आया है, ऐसा अगर पहली एक बार जब टिकट के टाइम आया था सरकार की हालत खराब हो गई थी, इसको उस बात का पता नहीं था। ये आज के टाइम का मोहम्मद बिन तुगलक है, जो पुराने इतिहास में होता था, जिसने कि सिक्के चलाए थे चमड़े के, फिर उसने दिल्ली से रत्नागिरी राजधानी बढ़ाई थी, उसके दोनों फेल हो गए थे और देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ऐसे ही इसने एक नोटबंदी करी थी, उसमें फेल हो गया था, अब ये देखा कोरोना में उसमें फेल हो गया था, अब ये तीसरा किसानों के साथ करके इसमें फेल हो जाए। अब तो उनको उन्होंने रास्ता रोका, उन्होंने बॉर्डर बनाए, अल्ताना बॉर्डर बनाया, वहाँ बॉर्डर बनाया, हमने सारे बॉर्डर तोड़ दिए, हम इसको भी तोड़ देते, लेकिन हमने उनको ये दिखाना है कि हम यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ से तब उठेंगे जब मोदी हमसे आगे बात करेगा और हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करेगा। और लगातार जब तक ये किसान विरोधी काला बिल वापस नहीं हो जाएगा हम यहीं पे जमे रहेंगे। कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए, जिस टाइम ये काला बिल लेके आए उसी टाइम से किसान संगठन आंदोलन में है, जब उन्होंने ये सोचने का विचार नहीं किया कि किसानों से बात करके उनके हित में बात की जाए। आप एक मोटी बात सोच के देखिए, जब से ये सरकार बनी है कहीं तो पाकिस्तान और चीन को लेके हिंदुस्तान के लोगों को भड़काया जा रहा है, कभी हिंदू और मुस्लिम को लेके हिंदुस्तान के लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन कभी इन्होंने ये सोचा कि गरीब जो कमेरा वर्ग है उसके हित की कभी सोची? आप यहाँ देख सकते हैं कि खाना तैयार हो रहा है, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पंजाब से किसान यहाँ आए, हरियाणा से किसान यहाँ आए, वो खाना तैयार करा देते हैं। लंगर बना रहे हैं, गुरुद्वारा हर जगह बनाते हैं, लंगर सड़कों से बना रहे हैं। तो ये आप मतलब ये सबके लिए, जो किसान लोग हैं उनके लिए या फिर सभी लोग? कोई भी खा सकता है यहाँ तो, ये भी अगर मोदी का इसको मोदी का जो भी खाना है वो भी खा सकता है, किसी के लिए छोटे छोटे बड़े कोई बंदा है उसके सबके लिए खाना। किसानों का आंदोलन ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, किसानों के आंदोलन का एक इतिहास रहा है। 25 अक्टूबर 1988 जब चौधरी महेंद्र सिंह का डेथ हुआ, उस दौरान भी कम से कम 5 लाख लोग दिल्ली आए थे, 5 लाख किसान दिल्ली आए थे। महेंद्र सिंह का डेथ को किसानों का मसीहा कहा जाता है, शायद ये उन्हीं की हिम्मत थी कि आज ये किसान फिर दिल्ली आए हैं और फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस टाइम भी 7 दिन में इन किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो अपना बनाया हुआ कानून वापस आए, तो शायद इस बार भी ये जो किसान आए हैं ये भी उनको सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो काला कानून बनाया है किसानों के विरोध में वो उसको वापस लें। महबूब सिद्दीकी के साथ अर्शी। Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.